नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। सियासी मैदान में नेताओं की जुबान से बड़े बड़े तीर निकल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ को इमरजेंसी से निकले एक्सीडेंटल नेता बता रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को स्काईलैब की तरह ऊपर से गिरने वाले करार दे रहे हैं। वहीं कमलनाथ विधायकों की कीमत कम बताकर अपनों को ही नाराज कर रहे हैं, तो कहीं दिग्विजय सिंह और बीडी शर्मा में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानों की भीड़ लग गई है। ये बयान एक दूसरे को नीचा दिखाने और विरोधी की प्रतिष्ठा को तार तार करने के इरादे से छोड़े जा रहे हैं। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को इमरजेंसी का एक्सीडेंटल नेता करार दिया। दरअसल कमलनाथ ने कहा था कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती, वो आते जाते रहते, जो जनता के बीच काम करता है उसकी वैल्यू होती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा और कमलनाथ को इमरजेंसी के एक्सीडेंट से पैदा हुआ नेता बताया। इस पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के नेता तो स्काईलैब की तरह ऊपर से गिरते हैं। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले। अगर एक्सीडेंटल है तो भारतीय जनता पार्टी के में स्काईलैब की तरह ऊपर से गिरती है। एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले बीजेपी और कांग्रेस के नेता सीमाओं की परवाह नहीं करते। हालांकि इस बीच टिकटों से लेकर जमीनी जमावट को लेकर मंथन भी चल रहा है। कांग्रेस 6 महीने पहले टिकट वितरण पर विचार कर रही है, तो बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। बीजेपी के आयोजनों की लिस्ट भी तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति जुबानी जहर है, तो अंदर खाने में सर्च रिसर्च के साथ तैयारियां चल रही हैं। बैठकों के साथ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। एक दूसरे को मात देने के लिए बारीकी से रणनीतियां तैयार हो रही हैं। वहीं कांग्रेस भगवा रंग में रंगी दिखाई दे रही है, तो कहीं बीजेपी संत रविदास के मंदिर निर्माण के लिए शिला यात्रा और अम्बेडकर महाकुंभ आयोजित कर रही है। सियासत का हर रंग उफान पर है। नेता नगरी की नजर सियासतों की दुकान पर है। अतुल पाठक के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता गोविंद मालू, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, एक ऐसे नेता को एक्सीडेंटल नेता करार देना जिसका 40 साल से ज्यादा का संसदीय राजनीति का इतिहास है, विधायक रहे, वो सांसद रहे, मंत्री रहे, केंद्र में इंदिरा गांधी के प्रिय माने जाते थे, उनको ये कह देना कि वो एक्सीडेंटल नेता है, कहां तक सही है सर ये? राजनीति में आए, उद्योगपति थे, उस समय के राजकुमार इंदिरा जी के सुपुत्र के बहुत परम मित्र थे जी, और जनता के से कोई सरोकार उनका नहीं था। वो आए, पैराशूट लैंडिंग कराई, तब विपक्ष जेल में था, पक्ष को समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले लग गए थे, तब उनका अभ्युदय हुआ। तो एक्सीडेंटली तो है ही, कोई जनता के बीच में से नीचे से ग्रास रूट से चुनकर और बहुत काम करके जनता के मर्म दर्द पर हाथ रखकर थोड़ी आए हुए, इसलिए उनको। और उसके बाद भी उनकी राजनीति हमेशा एसी कमरों के बाहर नहीं निकली जी, और जनता के नेता कभी नहीं माने गए। मुख्यमंत्री बने तब भी हालत ये थी कि वल्लभ भवन के एसी कमरों में 4 या 5 अपॉइंटमेंट दिन भर में, कार्यकर्ताओं से विधायकों से कोई संवाद उनका नहीं, और उन्होंने अपने जो स्टाइल में काम करना है, जिस तरह के सीईओ करता है, उद्योगपति करता है, उस स्टाइल में करते हैं। ये जनता के बीच में जिस तरह शिवराज जी रहते हैं, जिस तरह मोदी रहते हैं, स्रोत जनता के बीच में सीधा संवाद, सीधी उनकी बातचीत, और किस तरह से जनता में अपना। ठीक है बालू जी, आऊंगा आपके पास, फिर रुक करूंगा सिद्दीकी जी का। फिरोज भाई, आपको नहीं लगता है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती, वो तो आते जाते रहते हैं, वो खुद भी एक विधायक है छिंदवाड़ा से, और अगर विधायक को विधायक जनता बनाती है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं होती है और वो आते जाते रहते हैं, तो जनता का भी अपमान है। तो फिरोज भाई, विधायक कहते हैं जो 60 करोड़ का विधायक बताते हैं, आवाज आ रही है आपको? जी जी सुन रहा हूं मैं आपको।
हेलो, जी अब आ रही है आपको जी आवाज? जी सुन रहा हूं मैं। मेरा 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 इको हो रहा है बहुत, जी ठीक? तो जो 60 करोड़ का विधायक खरीदते हैं, जो 35 करोड़ का विधायक खरीदते हैं, सौदेबाजी करते हैं, तो वो विधायकों की कीमत जो है पैसों में तोलते हैं। कमलनाथ जी से ये सवाल किया गया कि साहब विधायक भी आपके संपर्क में है क्या? तो उन्होंने ये कहा कि विधायक की कीमत नहीं है, कीमत होती है जो जमीनी नेता हो, जमीनी नेता के साथ हम जुड़े और जिसका जनता में जनाधार हो, ये उनका बयान था। लेकिन जी अब क्या है कि जो लोग बिकाऊ हैं और वो बिकाऊ लोगों को खरीदते हैं, ठीक है, जो खुद भी बिकाऊ है और बिकाऊओं को खरीदते भी दूसरी पार्टी में भी बिकाऊ ढूंढते हैं, उनको कीमत और घोड़े की घोड़ा और गधे जैसी कीमत उनको समझ में आती है। कमलनाथ जी ने किसी का अपमान नहीं किया, उनका कहने का आशय ये था कि कीमत विधायक की नहीं होती है, जी कीमत होती है जो जमीन पर काम करता है उसकी कीमत होती है, जी ठीक है। ये कमलनाथ जी का कहने का मतलब, कीमत से मतलब था जनाधार, जी ठीक। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है तो कुछ नहीं, फुर्सत में बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, सरकार का जितना ठीक माल था सारा तिजोरी थी वो तो जी खा पी के चट कर दी उन्होंने, तो जी अब वो फुर्सत में है सबके सब, ठीक है। मंदिरों में उनके जो है 35 35 36 36 लोग मर रहे हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी जेल में कौन गया? बोले एक भी आदमी नहीं गया, ठीक वो है। तो ऊपर से गिर पड़े लोग सरोज भाई आऊंगा नीचे। आपके पास, मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए जाऊंगा आशीष जी के पास। आशीष जी, अभी मालू साहब ने बोला कि वो तो आपातकाल में पैराशूट लैंडिंग हुई उससे नेता बने। माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो तो केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला की लड़ाई में सीएम बने थे, तो सबसे बड़े उदाहरण तो वो हुए फिर। देखिए राजनीति में इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन बल्कि इसको ये कहना चाहिए कि ये इंसिडेंट होते हैं, जी इसके तहत नेता बनता है या नेता को गढ़ा जाता है। तो जी ये इस तरह की चीजें हैं। अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ, ये बात सही है कि वो संजय गांधी के दोस्त थे और इंदिरा गांधी ने उनको प्रमोट किया, तो राजनीति में सभी किसी ना किसी को कोई प्रमोट करते। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया प्रधानमंत्री का, तो निश्चित तौर पर हर नेता के पीछे कोई नेता होता है जी जो उसे नेता बनाता है। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि और भी बहुत सारी फील्ड में लागू होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई होते हैं। अब ये शब्द शैलियां हैं कि किस तरह किस पे कैसे हमले किया जाए। नरोत्तम मिश्रा उनको बहुत अच्छे लहजे में या बहुत अच्छे शब्द चुनकर कमलनाथ को संबोधित करेंगे, ये कोई जरूरी भी नहीं है क्योंकि पार्टी और वैचारिक मतभेद साफ हैं जी। तो इसलिए ये चीजें राजनीति में चलती हैं और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन पैराशूट लीडर्स का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि पैराशूट लीडर जो है वो एक अलग किस्म से राजनीति में प्रवेश करते हैं। अगर जनता की बात की जाए या जनता के समर्थन की बात की जाए तो कमलनाथ की शैली चाहे जो भी हो अपने काम करने की जी, लेकिन वो एक क्षेत्र से 45 साल तक जीते हैं, एक हार अगर छोड़ दी जाए जी, तो वहां उनको जनता का सपोर्ट था चाहे जैसे भी था। तो इस तरह बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जो बहुत जनता के बीच में नहीं जाते हैं जी, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, अपनी शैली में काम करते हैं जी। शिवराज सिंह चौहान से उनकी तुलना निश्चित तौर पे नहीं की जा सकती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान या दिग्विजय सिंह, ये दो ऐसे नेता हैं जो दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, इन्हें मास लीडर कहा जा सकता है। तो ये एक फर्क है इस तरह की चीजों में। ये राजनीतिक अदावत है, ये सियासत के तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर नेता किसी न किसी इंसिडेंट से ही पैदा होता है। कोई ऐसा घटनाक्रम आता है, अचानक वो उभरता है और स्थानीय राजनीति से लेकर आगे तक चला जाता है। जी तो ये इस तरह की घटनाएं और भारतीय राजनीति में इस तरह से होता रहा है। पैराशूट लीडर्स वो हैं जो किसी बड़े नेता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और उनको अचानक कहीं किसी क्षेत्र में उतार दिया जाए जी। बालू जी, आपको नहीं लगता है कमलनाथ जी के बारे में कुछ गलत बोल गए नरोत्तम मिश्रा? क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है, पूर्व सीएम भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, छिंदवाड़ा का उन्होंने विकास किया है, और वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। इतने साल वो केंद्र में रहे लेकिन बीजेपी को उन्होंने कभी टारगेट नहीं करा, एमपी बीजेपी को खास तौर पर। बालू जी देखिए, कमलनाथ जी ने जिस ढंग से सरकार चलाई, जिस ढंग से पार्टी चलाई, वो किसी एकाधिकार प्रवृत्ति के व्यक्ति का द्योतक है और उसकी एक प्रतिकृति के रूप में उनको देखता है। इसलिए सरकार में रहना और सरकार चलाना वो अलग बात है। वो किसी मंत्रालय में रहे, सांसद रहे क्षेत्र के, और जब ये पूरी मध्य प्रदेश की प्रदेश की सरकार चलाना हो तब किस ढंग से चलाई जाती है
इसका उनको न तो जनता से संवाद के जरिए इल्हाम है, न जनता के नब्ज पर उनको हाथ है, वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए। और देखिए उस समय सज्जन वर्मा जो बहुत ही कद्दावर मंत्री माने जाते थे उस रेजिम के, कमलनाथ जी खास सिपा सालार थे, वो कहते थे, उन्होंने एक बार बहुत ही तीखे लहजे में कांग्रेस की बैठक में कहा कि कमलनाथ जी कॉकस से घिरे हुए हैं। कॉकस का मतलब क्या होता है, कौन से लोग हैं ऐसे जिनसे घिरे हुए थे, ये ब्यूरोक्रेसी के जरिए। वो खुद का अपना उनका कोई आकलन नहीं था क्योंकि वो लोगों से मिलते ही नहीं थे। तो हमारा कहना ये है एक्सीडेंटली आना आने का मतलब कि वो ऐसे ढंग से आए जो उनको ग्रॉस रूट का कोई नॉलेज नहीं, जो नीचे से जमीन पर कोई झोला झंडा लेकर, मोदी जी तो झोला झंडा लेकर निकल गए थे, नीचे संगठन करा, ऊपर संगठन करा, संगठन में रहे तब भी उन्होंने जनता से, कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया। और ये बात अलग है कि जब उनको सर आपके अभी तो स्टाइल लैब वाले नेता है हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए, आपने उनको सीएम बना दिया असम का। लेकिन लेकिन मालू जी हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए बीजेपी में, उनको आपने सीएम बना दिया। अरे सुन लीजिए भाई, हमारी बात सुन लीजिए पूरी जी। तो हमारा ये कहना है कि जब तक आप सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और इंक्लूसिव अपना सत्ता में जब रहेंगे तो इंक्लूसिव ढंग से आपके निर्णय नहीं होंगे, सबका समाहित करके। अब आपकी सबकी आपको उनका अनुभव होना चाहिए कि किन क्षेत्रों में क्या समस्या है, किन क्षेत्र में किन से बात करना चाहिए। केवल जो हमारे आसपास के लोगों ने कह दिया वो आपने ब्रह्म वाक्य मान लिया। तो हमारा ये कहना है कि इस तरीके से शासन नहीं चला करता। तभी जिस ढंग का वचन पत्र बनाया जिसमें आसमानी सुल्तानी वादे किए थे, ठीक है मैं आऊंगा बालू जी आपके पास, फिरोज भाई का रुख करूंगा। फिरोज भाई, आपकी पार्टी का भगवाकरण हो गया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि क्या ठेका धर्म का जो है सिर्फ बीजेपी ने नहीं ले रखा है, हम भी कर सकते हैं, हमारा भी धर्म है। फिरोज भाई लेकिन 2014 के पहले ये ठेकेदारी कहाँ चली गई थी, आपने ठेका क्यों नहीं लिया था? ठेका ले रखा और राष्ट्र प्रेम का ऐसा है कि फिरोज भाई जनता भगवाकरण, भारतीय जनता पार्टी जो है नए नए तरह के स्वांग रचती है और वो ये बताने की कोशिश करती है कि वो एक हिंदूवादी पार्टी है जबकि वो नकली हिंदू है, वो हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्ववादी जो होते हैं। मैं आऊंगा आपके पास में, फिरोज भाई बोल रहे हैं। अरे अब उनको ज्यादा तकलीफ है, मालू जी को और बुलवा लो साहब एक आध बार और जी। बोलिए फिरोज भाई। हाँ ठीक, तो जो है कि अगर आप ये बताइए, राम की बात ये करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, कौन बोला करता था ये, हमने ऐसा बोलते बोलते पूरा देश आजाद करा दिया। ठीक, धर्मस्व विभाग हो, धर्म विभाग हो, ये सब कांग्रेस ने बनाए। आप कहीं भी चाहे बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, कुंभ हो या कोई और धार्मिक बड़े बड़े आयोजन है, ये भी कांग्रेस की देन है। अब अगर हमारा एक पुजारी प्रकोष्ठ हमने बनाया है और उससे अपने लोगों को, पुजारियों को, पुजारी भाइयों को जोड़ा है, क्योंकि नकली भाजपा के शासन में जो पुजारियों की दुर्गति हुई है और जो वो अपने दो दो रुपए के मेहनताने के लिए मतलब कुछ सैकड़ों रुपए के लिए भी वो परेशान हुए हैं, तो आज अगर हम उनकी समस्या सुन रहे हैं और अगर वो साज सज्जा कर रहे हैं तो ये बात तो सही है कि भाई भगवा रंग क्या भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे झंडा है जो कांग्रेस का झंडा है उसमें सबसे ऊपर भगवा रंग है। तो अब आप कहिए कि हम हिंदुत्ववादी हो गए, हमने तिरंगा बनाया, कांग्रेस की ने बनाया, उसमें भी सबसे पहले ऊपर भगवा रंग है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है, हमने स्पष्ट कहा कि हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों में अपना, सभी धर्मों में आस्था रखती है कांग्रेस, सनातन संस्कृति की रक्षक है। हिंदुत्ववादियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हिंदुत्ववादी जो है उनको हम हिंदू नहीं मानते जी। ठीक है आशीष जी, आपको क्या लगता है 2014 के बाद बहुत बहुत कुछ बदल गया है, सॉफ्ट हिंदुत्व जो कहा जाता है उससे किनारा नहीं कर रही है कांग्रेस, उसको गले लगा रही है? देखिए कांग्रेस का जो मूल पिंड है, कांग्रेस वैसे भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलने वाली पार्टी रही है जी। 80 के दशक के बाद, जब 90 के दशक के पहले थोड़ा सा 80 के 85-86 में कांग्रेस का भटका हुआ था जी, वरना कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सारे धर्मों को लेकर चलती थी, उसका क्लियर संदेश था, लोग इसको समझते थे। कांग्रेस का भटकाव उस बात जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद का फायदा बीजेपी ने उठाया, निश्चित तौर पर वो फायदा उठाया। उसी समय बीजेपी का गठन हुआ था, बीजेपी उभर रही थी
और उसी समय कांग्रेस ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसमें शाबानो प्रकरण था और कुछ प्रकरण थे जिसके चलते चलते कांग्रेस में भटकाव पैदा हुआ। उस भटकाव की वजह से कांग्रेस को, कांग्रेस पे ऐसा ठप्पा लगा कि वो मुस्लिमों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जबकि कांग्रेस का एक जो मूल एक जो विचार था वो कुछ और था। लेकिन उसको क्लियर करते करते कांग्रेस उस जद्दोजहद में आज 2 दशक हो गए, 2.5 दशक हो गए, उसको क्लियर नहीं कर पा रही। वो कोशिश करती है कि वो अपने पुराने विचार को सबके सामने लाए, लेकिन भाजपा एक इतनी मजबूत पार्टी है कि जब हिंदुत्व की बात होती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग ये मान लेता है कि हिंदुत्व का बेहतर काम भाजपा कर सकती है। तो कांग्रेस जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है तो बीजेपी उसको उस पिच पर घेर लेती है और कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। तो कांग्रेस को बहुत, किस तरह से कांग्रेस अपने वापस मूल पिंड पे लौटे, ये उसकी सबसे बड़ी चिंता है जी। और मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो होता है बीच बीच में, जो कमलनाथ जो आयोजन करते हैं या और भी नेता करते हैं या देश भर में होते हैं, वो वही छटपटाहट है किस तरह से उस नैरेटिव को सेट किया जाए। इसको आगे ले जाता हूं सवाल को। मालू जी, कमलनाथ जी ने कहा कि सबसे बड़ा जो हनुमान जी का मंदिर है छत्तीसगढ़ में उन्होंने बनवाया है, और जरूरी नहीं है कि हिंदुत्व की बात बीजेपी करे, हम भी कर सकते हैं, कमलनाथ जी बोल रहे हैं। हिंदुत्व पर क्यों आ गए? ये सफलता है, ये राष्ट्रवाद की सफलता है, ये भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर देश भर में अलग जगा रही कि ये हिंदू कोई एक जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति, एक संस्कृति, एक संस्कार है, और उस सनातन संस्कार का भारत प्रणेता है, भारत उसकी भूमि है जी। और यही उद्गम हुआ है, उद्गम भूमि है, और यही गंगोत्री है, इसको मानने की अब जाकर जरूरत प्राण पड़ी, यही हमारी सफलता है। और इसीलिए हम कहते बार बार, 2014 में जब पराजय हुई बहुत बुरी तरह कांग्रेस की, जब इनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला, तब एके एंटोनी समिति ने जो रिपोर्ट दी उसको पढ़ ले कांग्रेस के लोग, उन्होंने क्या कहा था, उस पर तो अमल किया नहीं इन्होंने। जब उन्होंने क्या कहा था उसकी रिपोर्ट को जरा आप अध्ययन करिए कि आपकी इतनी बुरी तरह से जो पराजय हुई उसके कारण क्या थे, तुष्टिकरण की राजनीति, केवल एपीजमेंट, और इसी के कारण देखिए हम सर्वधर्म समभाव में हम भी भरोसा करते हैं, हमारी कौन सी योजना है जो सर्वधर्म के लिए नहीं है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए है क्या, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए नहीं है, हम तो मुस्लिमों के लिए, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय उन्होंने नई नई हुनर योजना, हुनर हाट योजना, कई सारी चीजें कि उनके कैसे हुनर बढ़े, उनको कैसे रोजगार मिले, उनको कैसे शिक्षा मिले, शिक्षा में कोई तरह का विभेद नहीं, रोजगार के साधनों में उनके लिए कोई विशेष तरह का विभेद नहीं, जो कांग्रेस ने आजादी के बाद से ये धर्मस्थल को हम पैसा देंगे, इस धर्मस्थल का पैसा लेंगे, ये जो खाई पार्ट बनाई है, और जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति कुछ विशेष वर्ग को कुछ ठीक करने, ठीक है मालू जी, आऊंगा आपके पास, मैं रुक करूंगा फिरोज भाई का। फिरोज भाई, आपको नहीं लगता है आशीष जी ने कहा है कि आप वो लेवल मैच नहीं कर पाएंगे शायद जो बीजेपी कर पाती है हिंदू धर्म की राजनीति में? देखिए, हम किसी हिंदू धर्म, हमने पहले ही कहा है कि धर्म की राजनीति कांग्रेस नहीं करती जी, हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा है। आज हम जो है अपनी विचारधारा के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, और वो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आपने देख ली जी, और भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। अब ये हिंदुत्व, हिंदूवादी, ये जो हिंदू मुस्लिम किया करते थे, अब ये सुधर गए हैं थोड़े, ये पर्दे के पीछे जो है छुपके ये काम करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने भगवा लगाया तो तुम हमें वोट दो, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू पार्टी है हमें वोट दो, या हम मुस्लिम पार्टी है हमें वोट दो, हमने कभी किसी के लिए बात नहीं की। राम मंदिर का भी जहां तक सवाल है कांग्रेस की ही बात अंततः सही निकली, हमने कहा था कि या तो दोनों पक्ष बैठ के बात कर ले, या तो या जो है अदालत का जो फैसला आएगा वो मान्य करेंगे, अदालत का फैसला आ गया, मंदिर भी बन गया और मस्जिद भी बन गई। तो कांग्रेस ने तो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, ये लेके निकले थे दंगा रथ, आज तक इन्होंने हिंदुओं के हित में कौन सा काम किया वो बता दीजिए। गो सेवा आयोग, गो हत्या का कानून ये कांग्रेस ने बनाया, गोशालाएं कांग्रेस ने बनाई, मंदिरों का रख रखाव, उनका संरक्षण, धर्मस्व विभाग ये कांग्रेस ने बनाया, पुजारियों का मानदेय, मौलवियों का मानदेय ये कांग्रेस की देन है, सब काम कांग्रेस ने किया और हर धर्मों के लिए किया है। हमें फख्र है इस बात का कि हमने सब धर्मों के लिए किया है, सब धर्म का आदमी जो है, हर समाज, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस परिवार का सभी लोग, तो ये हमारी बात है। इनकी बात है जरूर है कि शमशान, कब्रस्तान,
और पता नहीं क्या क्या, रमजान, दिवाली, पता नहीं ये क्या क्या बोलते रहते भाई। ये आपने बोला कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी डर गई है, आप गुजरात में 77 विधायक आपके हुआ करते थे, 17 पे आप आ गए, ऐसा असर चाहते हैं क्या आप कांग्रेस पार्टी पर यात्रा का? और हिमाचल का सर, हिमाचल का रिजल्ट क्यों नहीं बताती, क्यों नहीं बताती भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल का भी रिजल्ट है? यही तो वहां सर आपका वोट शेयर बहुत नियर बाय है बीजेपी के, लेकिन आपका बहुत ज्यादा परसेंटेज गुजरात में गिरा है। हाँ तो वहां एक थर्ड फोर्स में आ गई और उस तरीके से हमारा जो कैंपेन था वो मैच नहीं कर पाए। दूसरा प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा था ये वार्ड मेंबर है और वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब पूरी सरकार और प्रधानमंत्री जब सड़कों पर आ गया तो जनता ने मान रख लिया अपने प्रधानमंत्री का, इतना ही तो फर्क है। अगर रखता है, रखती होती तो जनता हिमाचल में भी रख लेती, और अभी कर्नाटक आया जा रहा है, आप देख लेना इनकी क्या भलाई होने वाली है कर्नाटक में, और अभी मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में इनका क्या हाल होगा, इनको इनको समझ आ जाएगी। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं, ठीक है फिरोज भाई आऊंगा। आशीष जी आपको क्या लगता है, मुसलमानों की तादाद मध्य प्रदेश में बहुत कम है, 9% के आसपास वोट बैंक है राजनीति में, आपको लगता है इसीलिए कांग्रेस की मजबूरी है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करना? नहीं, कांग्रेस जैसा मैंने कहा, कांग्रेस अपने वापस अपनी उस विचारधारा को वापस सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि उसका सामना एक ऐसी पार्टी से है जिसके पास बहुत मजबूत एक तंत्र है पूरा काम करने के लिए, और उस पर एक हिंदुत्व के सबसे सही बड़े संरक्षक के तौर पर उसने अपनी छवि गढ़ ली है। तो भाजपा कांग्रेस अपनी पुरानी छवि को पाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जहां तक परसेंटेज की बात है तो ये कोई बहुत मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि चुनाव जो है बहुत सारी और परिस्थितियों को देख के किया जाता है, और मध्य प्रदेश में इस बेस पे कभी चुनाव हुए नहीं, कभी इस तरह के रिजल्ट रहे नहीं। मध्य प्रदेश का जनता का जो एक अलग माइंडसेट अब तक रहता आया है, क्योंकि यहाँ पे एक आदर्श जो मानी जाती है दो दलीय व्यवस्था है, ये सिर्फ कुछ राज्यों में बची है। तो मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है, बाहर से लोग आए हुए हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि उस वर्ग को ज्यादा सेट करने की कोशिश कर रही है जो उससे दूर चला गया है, तो उस दूर चले जाने वाले में वही मतदाता हैं जो बीजेपी की तरफ हैं, और बीजेपी की तरफ माना जाता है कि जो हिंदुत्व से जुड़े जो लोग हैं या जो उस तरह के उस वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं। जैसा मैंने बताया कि यदि उस चीज पर वो उस बुरहानपुर में जब निकाय चुनाव हुए तो ओबीसी की पार्टी के सिंबल पे जो खड़ा हुआ था प्रत्याशी उसको खासे वोट मिले, वरना कांग्रेस का महापौर होता वहां पर, बिल्कुल होता, लेकिन वो एक ऐसा, जैसा मैंने बोला कुछ इंसिडेंट भी होते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब कोई नई, जैसे बुरहानपुर जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर ज्यादा वोट जो है मुस्लिमों के ज्यादा निर्णायक माने जाते हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश की हर सीट पर उस तरह की परिस्थितियां नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण वोट है, और वो महत्वपूर्ण वोट के साथ साथ हर दल की जिम्मेदारी है कि उनके वोट लेने के बाद उनका पूरा विकास और उनको पूरे मुख्यधारा में लाने की कोशिश भी की जाए जी। तो अगर ये सारे प्रयास साथ में होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल करता है, भाजपा भी करती है, लेकिन उसका उतना प्रचार नहीं करती जितना प्रचार हिंदू से जुड़े कामों का होता है। तो अब ये नतीजे पर निर्भर होता है और मतदाता पर निर्भर होता है कि वो किस तरह से किसके बारे में क्या सोचते हैं। फिरोज भाई आपका काम खराब ना कर दो ओबीसी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी हैसियत समझ ले कि वो 35-36% से ज्यादा वोट नहीं ला सकती, और कांग्रेस जो है वो 45% वोट ला सकती है जी। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो 80% होता है, ठीक भाई, बाकी के बच्चे 20% तो उसमें सभी दल आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा और बीजेपी के बीच का गैप 10% रहेगा, ये स्पष्ट है इस चुनाव में जो मोटा मोटा दिख रहा है, और ये 50-60 सीटों पे आके थम जाएंगे। अभी आए तो ये चुनाव में इनको देखो कैसा मजा आता है, जैसा अभी कर्नाटक में आ रहा है, अभी आप देखना कर्नाटक में कैसा क्या हाल होता है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये वो सवाल नहीं है, कहीं कहीं कोई फैक्टर ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट उस तरीके से सामने नहीं आ पाता, या कहीं कैंपेन गड़बड़ हो जाता है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं होता। गुजरात में तो नुकसान किया है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, खासा नुकसान किया है। ठीक है, कहीं लीडरशिप अगर डिस्टर्ब हो जाती है, कोई कैंपेन गड़बड़ हो जाता है तो ऐसी स्थितियां आती हैं। वहां आम आदमी पार्टी बहुत पहले से काम कर रही थी,
जो कि हम हमारे एस्टिमेशन में वो चीज नहीं आ पाई और हम अपने कैंपेन को उस तरीके से चला नहीं पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफ मतदाता ज्यादा शिफ्ट हुआ कि यही आ रहे हैं सरकार में और नरेटिव को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बुरहानपुर में 10,000 वोट मिले बड़ी मुश्किल से AIMEM को, कांग्रेस 550 वोट से हार गई। हो सकता था कि वो 500-700 वोट इधर उधर हो जाते, 300-400 से हम जीत जाते। नहीं देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी और AIMIM है, जो ये जो मध्य प्रदेश में जहां तक बात है, गुजरात में जहां तक बात है और हिमाचल में भी कुछ जोर आम आदमी पार्टी के था, तो ये वो उन्हें इन पार्टियों को उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जो भाजपा या कांग्रेस से नाराज होकर टूट रहे हैं, उनका अपना क्वार्टर नहीं है। तो इसलिए जहां पर तीसरी या चौथी ताकत के तौर पर ये पार्टियां प्रवेश कर रही हैं, वहां पर जो मुख्य ताकतें हैं उनको अपने क्वार्टर को संभालने की जिम्मेदारी होना चाहिए और वो उनकी नीतियों से और नियत से दोनों से ही संभाला जा सके। जी जी मालू साहब, आपकी पार्टी को कार्डर बेस्ड पार्टी माना जाता है कि बकायदा आपके यहाँ लीडरशिप तैयार की जाती है, तो फिर ऐसी क्या कमजोरी रहती है कि आपको हेमंत बिस्व शर्मा को आपकी पार्टी में लेना पड़ता है, फिर बाद में सोनेवाल को हटा के उनको CM बनाना पड़ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ग्लोबल बड़ी पार्टी हो गई जी, उसमें जो राजनीतिक दल में जो विशेषताएं होना चाहिए हम सबको समाहित करके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहभाग। तो हम सबका सहभाग लेते हैं, हम कोई कूप मंडूक लोग नहीं कि हमारे दरवाजे सबके लिए बंद है, हम कई लोगों को लाए और आते हैं अपने आप, और जो हमारे राष्ट्रवाद से अभिप्रेरित होकर हमारे सिद्धांतों से, हमारे विचारों से, हमारे एकात मानववाद के मूल विचार से प्रेरित होकर आता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, जो नहीं करेंगे और जगह बनाएगा उसमें क्या आपत्ति है। बस मैं लेकिन ये नए लोगों के साथ जो बीजेपी आ रही है, न्यू बीजेपी की तौर पे, मैं ये उम्मीद करूंगा कि गोविंद मालू जैसे सीनियर लीडर्स भी, जी बोलिए आशीष जी, हाँ मैं नई जो पीढ़ी भाजपा में, नई जो जनरेशन भाजपा, नए जो नेता भाजपा में आ रहे हैं, नई भाजपा जैसी स्थिति है, तो वहां पे गोविंद मालू जो है बड़े सीजन नेता हैं, तो उनका भी जो है पार्टी जैसे चाहेंगे कि उनके साथ इनका भी उपयोग बना रहे, तभी एक सही एक कॉर्डर तैयार हो। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गोविंद मालू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव के बिसात बीत चुके हैं, कांग्रेस का मानकर चल रही है कि सूबे में उसकी सरकार बनना तय है, वहीं बीजेपी का मानना है कि खेलेगा तो कमल ही। अपनी अपनी पार्टी के नेता बयानों से कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, ऐसे में शब्दों की मर्यादा की फिक्र भला किसे होगी, लेकिन राहुल गांधी के मोदी वाले बयान से सबको सीख लेने की जरूरत है, वरना लेने की बजाय देने पड़ सकते हैं। खैर, आज के लिए बिग डिबेट में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।